तेलंगाना में 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी के मद्देनजर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी प्रचार प्रसार में जुटे हैं। चुनावी अभियान के तहत उन्होंने हैदराबाद में एक रैली को संबोधित किया, जहां ओवैसी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि शाह मुसलमान मुक्त भारत चाहते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी और कांग्रेस पर अक्सर हमलावर रहते हैं, लेकिन तेलंगाना में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ओवैसी की जुबान कड़वी होती जा रही है। हैदराबाद की रैली में भी उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर ऐसे शब्द बाण छोड़े जिससे पार्टी का बौखलाना लाजमी है। शाह को घेरते हुए उन्होंने कहा कि वो मजलिस मुक्त नहीं बल्कि मुसलमान मुक्त भारत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि जिस तरह से देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है, उसी तरह से मजलिस मुक्त भी होगा और आप भी जाएंगे। शाह के इस बयान पर धार्मिक कार्ड खेलते हुए ओवैसी ने कहा कि यहाँ शाह का मजलिस से मतलब हमारी पार्टी से नहीं बल्कि मुसलमानों से है। बीजेपी भारत से मुसलमानों को भगाना चाहती है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें भी संविधान ने अधिकार दिया है, आप कुछ भी कर लें आपको सफलता नहीं मिलेगी। वहीं उन्होंने तेलंगाना में TDP और कांग्रेस गठबंधन पर तंज कसते हुए पूछा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आप आंध्र प्रदेश में बैठकर तेलंगाना को चलाएंगे, दिल्ली में बैठकर तेलंगाना का फैसला कांग्रेस करेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद तेलंगाना में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यहां पहले TRS की सरकार थी, लेकिन अब सभी की नजर इस राज्य पर है। ओवैसी की पार्टी AIMIM का भी कुछ सीटों पर दबदबा रहा है। फिलहाल 119 विधानसभा सीटों वाले तेलंगाना में पार्टी के 7 विधायक हैं, जिसे ओवैसी और बढ़ाना चाहते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।